आज हम क्लास 5th का इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 4th रीड करेंगे, जिसका नाम क्या है, कबड्डी। कबड्डी आप सभी लोग जानते होंगे कि कबड्डी क्या है। कबड्डी एक खेल है जो हमारे देश में खेला जाता है, जो हमारे देश की गलियों में, हमारे देश के शहर गांव सब कहीं खेला जाता है। ठीक है, ये लेसन इसी बारे में दिया गया है। ओके, तो इस लेसन के बारे में हम पढ़ेंगे। इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ नाग पंचमी। द विलेज पीपल ऑफ संदलपुर हैड गैदर्ड अराउंड अ प्ले ग्राउंड ऑफ द मिडिल स्कूल। दिस वॉज द प्लेस वेयर द रेसलिंग कॉम्पिटिशन वॉज टू बी हेल्ड। सच एंड इवेंट आर ऑर्गेनाइज इन अकॉर्डेंस विद द टाइम ऑनर्ड कस्टम ऑफ द सोसाइटी। देखिए, ये स्टोरी जो दी गई है कबड्डी के बारे में दी गई, तो स्टार्टिंग इसके कहाँ से हुई है कि नाग पंचमी का त्यौहार था और संदलपुर के जो लोग थे वो सारे, संदलपुर गांव के जो लोग थे वो सारे एक प्लेग्राउंड के आसपास इकट्ठे हो गए। और किस लिए? मिडिल स्कूल था वहाँ पर। किस लिए इकट्ठे हुए थे? क्योंकि वहाँ पर एक रेसलिंग जो कंपटीशन था वो होने वाला था। ओके, तो उस कारण से वो लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। देन आफ्टर द कंपटीशन अनिल, सुनील, रवि, भोला, आसिफ, चारू, माला, रोहित एंड सम अदर फ्रेंड्स वर ईगर टू एंजॉय देमसेल्व्स। सो दे वेंट फॉर अ पिकनिक टू द नियर बाय डैम विद देयर स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर सोलंकी। दे सेट ऑन द ग्राउंड एंड प्रपोज्ड टू डू समथिंग। देखिए, ये कंपटीशन होने के बाद कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके नाम दिए गए हैं, और वो लोग एक पिकनिक पर जाने के उत्सुक थे। तो वो अपने टीचर मिस्टर सोलंकी के साथ एक डैम पर, उनके मिस्टर सोलंकी जो थे उनके स्पोर्ट्स टीचर थे, उनके साथ एक डैम पर वो किस लिए गए? पिकनिक मनाने। वे जैसे ही ग्राउंड पे बैठे वहाँ पर, उन्होंने सोचा कि कुछ किया जाए। तो देखिए, अब कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, वे एक दूसरे से बात करते हैं। तो सबसे पहले अनिल जो है वो बोलता है, इट्स अ नाइस ग्राउंड, ये एक बहुत अच्छा ग्राउंड है, क्या ये नहीं है, क्या यहाँ पे हमको बहुत सारे गेम्स नहीं खेलने चाहिए? तो आसिफ बोलता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये प्लेस रियली अच्छी है, ये प्लेस सही में अच्छी है। दैट इज़ वाई आई टू फील लाइक प्लेइंग सम गेम्स। और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ गेम्स खेलने चाहिए। वॉट गेम डू यू वॉन्ट टू प्ले? और आसिफ बोलता है कि कौन सा गेम तुमको खेलना है? अनिल बोलता है, मुझे ऐसा गेम खेलना है जो कि गांव में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, गांव में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आसिफ बोलता है, ये वह कौन सा गेम है? तो अनिल बोलता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट गेम्स लाइक कबड्डी एंड खो खो। तो उसने बोला कि मैं कबड्डी और खो खो के बारे में बात कर रहा हूँ। सुनील बोलता है फिर, वाई डोंट वी चूज एनी ऑफ देम, क्यों ना हम इनमें से कोई एक चूज कर लें। फिर चारू बोलती है, आई थिंक वी कैन प्ले कबड्डी। चारू बोलती है कि हमको कबड्डी खेलना चाहिए। आसिफ बोलता है, चलो मैं भी तैयार हूँ, कबड्डी इज अ गेम विच कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। कबड्डी एक ऐसा गेम है जो हमको फिट और हेल्दी रखता है, दैट इज़ वाई, इसलिए ये हमारे कंट्री में और गांव में बहुत ज़्यादा फेमस है। चारू बोलती है कि ये सही है, कैन समबडी टेल मी द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कबड्डी, क्या कोई मुझे कबड्डी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएगा? रोहित बोलता है, आई थिंक अवर स्पोर्ट्स टीचर, मुझे लगता है कि अपने स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर सोलंकी हमें बता सकते हैं कबड्डी के बारे में सब कुछ। तो वो अपने स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर सोलंकी के पास गए, जो कि स्विमिंग में बिजी थे। अनिल कहता है, सर कैन यू प्लीज़ टेल अस द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कबड्डी। वो बोलता है कि सर क्या आप हमें कबड्डी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएंगे? मिस्टर सोलंकी बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है कि तुम लोग इस गेम को खेलने में उत्सुक हो। द ग्राउंड ऑफ कबड्डी, उन्होंने बताया कि जो ग्राउंड होता है कबड्डी का वो 12.5 मीटर्स होता है, लंबा होता है और 10 मीटर्स चौड़ा होता है। इट हैज़ टू इक्वल पार्टीशंस, उसके दो इक्वल पार्टीशंस होते हैं। तो चारू बोलती है, सर कैन वी ऑल प्ले कबड्डी एट अ टाइम, क्या हम एक समय में सारे कबड्डी खेल सकते हैं? मिस्टर सोलंकी बोलते हैं, नहीं, एक समय में केवल 12 प्लेयर्स
एक प्ले ग्राउंड में खेल सकते हैं. आउट ऑफ देम 7 प्लेयर्स प्ले एंड 5 सिट एज अ रिजर्व्ड वन. और वो उन 12 में से जो 7 होते हैं वो खेलते हैं, और जो 5 होते हैं वो बैठे रहते हैं, सेफ रिजर्व्ड वंस, मतलब सेफ बैठे रहते हैं. ओके, देन सुनील बोलता है, सर इज देयर एनी लिमिटेशन ऑफ द गेम? क्या यहाँ क्या उस गेम की कोई लिमिटेशन है, मतलब टाइम लिमिटेशन है कि इतनी देर में ही खेलना है? तो मिस्टर सोलंकी बताते हैं कि हाँ, इसमें इक्वल टू हाफ 12 इक्वल हाफ्स होते हैं, 2 हाफ्स होते हैं, 20 मिनट्स के होते हैं वो, और 5 मिनट का उसमें गैप होता है. चारू बोलती है, सर आई हैव सो ऑफन हर्ड द वर्ड्स अ रेडर एंड अ कैचर, व्हाट आर दे? चारू बोलती है, मैंने दो वर्ड सुने हैं, रेडर और कैचर. तो मिस्टर सोलंकी बताते हैं, रेडर वो होता है जो जो बोलता है कबड्डी कबड्डी कबड्डी, और एंड स्टेज दे आर टिल हिज सिंगल ब्रीथ लास्ट, और एक ही सांस में वो कबड्डी 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 बोलता है. और ड्यूरिंग द स्टे ही ट्राइज अपोनेंट आउट टू टच हिम, और उसी दौरान वो अपने विपक्ष की पार्टी को टच करने की कोशिश करता है, विपक्ष के प्लेयर्स को टच करने की कोशिश करता है. द अपोनेंट हु ट्राइज टू कैच द राइडर इज नोन एज द कैचर, और जो राइडर को पकड़ता है वो क्या कहलाता है? कैचर. तो अनिल बोलता है, सर व्हाट अबाउट द रिजल्ट? अब इसका परिणाम आप बताइए. तो मिस्टर सोलंकी बताते हैं, द टीम विच स्कोर्स द मैक्सिमम पॉइंट्स इज अलॉटेड टाइम्स विंस द मैच. जो निर्धारित समय पर जो टीम ज़्यादा पॉइंट्स स्कोर करती है वो जीत जाती है. तो सुनील बोलता है, इट इज़ एन आउटडोर गेम विच इज़ प्लेड ओनली विद फिजिकल स्ट्रेंथ विदाउट एनी इक्विपमेंट, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स? तो वो बोलता है कि आप हमें इसके बेनिफिट्स बताइए, मतलब इसके क्या फ़ायदे हैं. मिस्टर सोलंकी बोलते हैं कि बताते हैं उनको कि ये विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, मतलब बिना किसी औजार के ये खेला जाता है, तो इसको ये गेम हमको मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ देता है, ये हमारी बॉडी को क्या करता है, अच्छे तरीके से फिट रखता है. चारू बोलती है, एज इट प्लेड फॉर अ शॉर्ट ऑफ टाइम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट नीड्स स्ट्रेंथ एंड क्विक रिफ्लेक्सेस ऑफ हैंड्स, दस वन हैज टू बी वेरी अलर्ट. चारू बोलती है कि जब हमको इसको एक सांस में और बहुत सारे अपने क्विक रिफ्लेक्सेस, मतलब अपने हाथ के दौरान हाथ पैर से खेलना पड़ता है, तो हमको अपना माइंड को भी अलर्ट रखना पड़ता है उसमें. तो मिस्टर सोलंकी बोलते हैं कि हाँ, ये सच बात है, कबड्डी सिर्फ बॉडी का गेम नहीं है, इसमें हमको अपना दिमाग, हमको अपना माइंड भी एक जगह पर रखना होता है, और हमारे साथ जो और प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको उनका कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़रूरी होता है. तो अनिल बोलता है, सर आई फील लाइक प्लेइंग कबड्डी मैच राइट नाउ. और अनिल बोलता है कि सर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कबड्डी खेलना चाहिए अब. तो मिस्टर सोलंकी बोलते हैं, वेरी गुड, लेट्स गो टू स्कूल ग्राउंड अनिल एंड सुनील, सेलेक्ट योर टीम. अनिल और सुनील से वो बोलते हैं कि चलो हम अपने स्कूल ग्राउंड चलते हैं, और तुम दोनों अपनी टीम सेलेक्ट कर लो. द टू टीम्स प्लेड अ मैच विच वॉज वॉन बाय अनिल्स टीम, और दोनों टीमों ने अपना मैच खेला और अनिल की टीम जीत गई. एवरीबडी इंजॉयड द मैच एंड रिटर्न टू होम विद स्वीट मेमोरीज ऑफ द डे. तो वो लोगों ने उन लोगों ने मैच खेला और बहुत इन्जॉय किया, और स्वीट मेमोरीज के साथ अपने घर को वापस आ गए. तो ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा, ये एक कन्वर्सेशन है एक टीचर और कुछ स्टूडेंट्स के बीच में. तो ये कबड्डी के बारे में दिया गया है ये लेसन, और आप इसको एक बार रीड करेंगे, रीड करके आपको मीनिंग्स फाइंड आउट करने हैं, हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन करके फाइंड आउट करने हैं, और कुछ ना आता है समझ में आपको अगर, तो आप इसको पूछ लीजिएगा. ओके.